हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो लिपिड्स होता है और स्टेरॉइड्स है, तो इसके मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो अगर इसकी बात करें कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल लिपिड और स्टेरॉइड के मैन्युफैक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि टू टाइप का होता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड्स और स्टेरॉइड के मैन्युफैक्चर के लिए। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये टू टाइप के होते हैं, जिसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं, जिससे अटैच होते हैं, जिससे चिपके हुए होते हैं, तो वो देखने में रफ लगते हैं, खुरदरे लगते हैं, तो इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जहाँ जहाँ पर ये नहीं लगे हुए होते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं, तो वो उसका सरफेस जो है वो स्मूथ दिखता है, तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो जो लिपिड्स और स्टेरॉइड का के मैन्युफैक्चर के लिए आपने पूछा कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है, तो यही सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है जो कि जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या SER कहते हैं शॉर्ट में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रिस्पॉन्सिबल है लिपिड और स्टेरॉइड के मैन्युफैक्चर के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।